मामूल के मुताबिक हमारा जो सेगमेंट है खाना घराना वो शुरू करने जा रहे हैं। अब कोबरा माँ बेटियाँ हमें चाहिए, तो ऑडियंस में जो जो माँ बेटियाँ हैं वो हाथ उठा लें एंड कोबरा विल डिसाइड कि किसने आना है। बताएं कोबरा, दो चाहिए, एक टीम वहाँ से ले लें एक यहाँ से ले लें। The green and orange. Green, red, red. बड़ा प्यारा है स्कार्फ पहन के आए, इसलिए आप दोनों तो आ ही जाए। और इस साइड से हुआ द लकी वंस, दो ही लड़कियों का हाथ उठा हुआ है, तो पिंक आंटी और हां जी आप दोनों भी आ जाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ हम, क्योंकि अच्छा आप आज क्या है चैलेंज, आप दोनों आ जाएं इस टीम में, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, आप आ जाइए, आप यहाँ से आ जाइए इधर, आप यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, इस वाली टीम में आ जाएं, क्यों इतना घबरा रही है, अभी तो खाना बनाना शुरू भी नहीं हुआ। नहीं 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 यार, बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा इधर आते हैं, या अल्लाह बहुत कंफ्यूजन है। अच्छा माइक्स आ गए, आपके माइक्स उठा लें, जो बात कहेंगे माइक में कहेंगे, माइक के अलावा नहीं कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम, इतना प्यारा आपने ये स्कार्फ सेट किया हुआ है दुपट्टे का, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और आपका ग्रीन इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब आप दो हो जाएं उस कॉर्नर पे ताकि सबको आप देख सकें, आप आ जाएं बीच में। एक तो मैं इस किचन में लोगों की जो है ना जगह बनाने में तैयार थी। आपका चैलेंज क्या है आज का? चैलेंज जरा डिफरेंट है। हाँ आज ऐसा चैलेंज है, एक जैसी चीज़ें मैं दोनों को नहीं दे रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ छोले रखे हैं उबले हुए, आलू हैं, चावल है, इमली, सब कुछ। अब आपने छोले और आलू से दो दो डिशेज बनानी है, अब वो खाना हो या चाट हो या जो भी, यानी दो दो डिशेज में दोनों में छोले और आलू जाने नहीं, चाहिए नहीं, या छोले नहीं। की कोई डिश? हाँ, छोले की कोई डिश और आलू की कोई डिश, यानी आप डिफरेंट कि छोले अलग बनाने हैं और आलू का अलग हाँ। बनाने हैं, यानी आपने दो डिशेस बनाने हैं, एक मेन डिश बनानी है और एक इफ्तारी की, समझे एक चाट समझे जी, 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 और एक मेन खाने की डिश हो। ठीक है, लेकिन छोले और आलू उसमें होने चाहिए जी, हाँ। जी 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 कहीं भी आप कर दें। ये है आज जबरदस्त जबरदस्त चैलेंज है, लेकिन ये थोड़ी देर में बनना शुरू होगा, उसकी वजह ये कि अभी आपा ये जो है हाँ, हाशिम बना लिया, ये आपा को कोई तंग ना करे, ना आप तंग करें और ना आप तंग करें। एप्रन्स आप लोगों को मैं दे देती हूँ, एप्रन्स अपने उठा लीजिएगा नाज़रीन किराम, एप्रन्स ये रहे आपके, मैं आपको देती हूँ, ये रहा आपका एप्रन, ये आपका एहसास रमज़ान की ये एप्रन्स है, जल्दी से आप लोग पहन लीजिए। हमारी टीम्स तैयार हो रही हैं खाना घराना के लिए, और इन टीम्स को जो भी आज जीत कर जाता है छोले और आलू दोनों चीज़ें इन्होंने कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी है, एक मेन डिश में और एक अफ्तार के लिए इन्होंने साइड डिश बनानी है। तो हम देखते हैं कि आज क्या बनाती है, जो भी टीम अच्छा खाना बनाएगी जो विनिंग टीम है वो तो लेकर जा रही है गाय पावर वॉश की जानिब से एक अदद बाइक, तालियां भाई। और जो रनर अप टीम है वो लेकर जा रही है जीएनई गाबा नेशनल की जानिब से माइक्रोवेव अवन। तो दिस इज सो अमेजिंग, ये खाना घराना सेगमेंट करने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि हमारे जो घर की ख़वातीन होती हैं वो खाना बनाती हैं, इतना फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ख़वातीन हैं तो खाना तो बनाएंगी, उन्हें ना खुश होकर तारीफ़ की जाती है ना तहाइफ़ दिए जाते हैं। मर्द हज़रात को चाहिए रोज़ाना बाइक और माइक्रोवेव अवन ना दें गाबा नेशनल का, लेकिन दुआएं दे दें, तारीफ़ कर दें, खुश हो जाएं, ये सिखाने के लिए हमने रखा है खाना घराना। देखते हैं आज कौन सी टीम लेकर जाती है बाइक। हमारे साथ एक टीम यहाँ पर है, एक टीम यहाँ पर मौजूद है। पहले तो आप माइक उठाएं और जल्दी से मुझे बताएं कि आपने क्या डिसाइड किया, छोले और आलू क्या क्या डिशेस बन रही हैं दो? एक तो बड़े कंफ्यूज हो गई, जाहिर सी बात है एक ही क्या क्या मैंने कहा कन्फ्यूज़ इसलिए हो गई कि डबल डबल एक ही मतलब छोलों की डिशेज होनी चाहिए इसमें, तो मैंने सोचा कि मैं आलू की ताहरी बनाती हूँ। आलू की ताहरी हाँ, बिरयानी जैसी बनती है, और चाट चना चाट, चना चाट और आलू की ताहरी। नाहिद आपा गई हुई हैं नमाज़ पढ़ने, और अभी हम उन्हें थोड़ी देर में जैसी वो आएंगी तो यहाँ बुला लेंगे, असर की नमाज़ अदा करने गई। आप क्या बना रही हैं भाई? मैं भी ताहरी बना रही हूँ, आलू की, आलू की ताहरी आप भी बना रही हैं, और चना, और चने के मैं अच्छा सा डेकोरेशन उसमें बहुत प्याज वगैरह डाल के छोले रेडी करूँगी, चना चाट बना रही हैं दही वाले, ये तो कंपटीशन हो जाएगा सख्त। आलू के आप कुछ और भी बना सकती थी, जो फ्राइड आलू बनते हैं या खट्टे आलू बनते हैं, हाँ मसाले वाले आलू कुछ भी बन सकते हैं, मतलब मुझे तो खट्टे आलू जो होते हैं मसाले वाले वो खाने का दिल चाह रहा है। बात है ना करें, अभी हम बड़े किचन में हैं। चले देख लें जो आपका दिल चाहे वो बनाए, और जो भी जीत कर जाएगा वो जाएगा बाइक जीत कर। हु डू यू थिंक इज विनिंग कोबरा, एनी गेसेस? बिकॉज़ ये अफ्तारी के बाद भी लेना, सेम चीजें बना रहे हैं, सो इट्स वेरी हार्ड टू से, और दोनों भी अभी शुरू ही कर रहे हैं। ये आपने इसमें जर्दे का रंग डाला है, अच्छा चलें ज़बरदस्त, यानी कि ताकि उसका कलर अच्छा सा आए। ओ हो वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ है जिसके मार्क्स बहुत कटते हैं, वो है अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगी, और लेमन मेक से बर्तन भी धोना है
बर्तन धो के जाने हैं। ठीक है जी, देखते हैं आज कौन जीतता है। यहाँ पर खाना घराना में खाना बस अभी अभी तैयार हुआ है, मतलब मैं आई हूँ तो इन्होंने इसको डिश आउट किया है। दो चीज़ें आज बनानी थी और आलू और चने, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करना था। आलू और छोले, दोनों चीज़ें शामिल करनी थी अपनी डिशेज़ में। एक मेन कोर्स बनाना था, एक साइड डिश बनानी थी अफ्तारी की। दोनों टीम्स ने बना लिया है। ये टीम वाले पहले अपना माइक ले लें। माइक कहाँ है आपका? माइक है आपके पास? माइक ले गए आपसे दूर कहीं? आपके पास है माइक? माइक ले जाते हैं हमारे वाले, क्या करें। अच्छा, आप लोगों ने क्या बनाया है? आलू की तहरी और चना चाट। आलू की तहरी और चना चाट आपने बनाया है। मसाले वाले पोटैटो राइस और ये छोले बनाए और साथ में आपने एक ड्रिंक भी बनाई। वैसे आपकी दो चीजों पे आपको जज किया जाएगा। आप बताइए अब क्या बनाया आपने? मसाले वाले पोटैटो राइस, आलू वाले मसाले वाले चावल और चना चाट। इन्होंने भी चना चाट बनाई है। दोनों की आप सर्विंग सामने देख सकते हैं। दोनों ने खूबसूरत सर्विंग की है, लेकिन डिफरेंट। और ये एक मसाले वाले आलू भी बना रही है। जजमेंट आपको किस पे चाहिए, इस पे या इस पे? इन दोनों पे चाहिए ना। चले, वो एक साइड की चीज है। तो इन दोनों चीजों पे आपकी जजमेंट, इन दोनों चीजों पे आपकी जजमेंट होगी। एक चीज मैं बताऊं, कोई चीज ऐसी होती है जो आप लोग जबरदस्ती कर लेते हैं, वो नहीं। कभी भी चावल के साथ कभी नींबू सर्व होते हैं? मैं इसलिए बता रही हूँ, ये जरूरी नहीं होता। मतलब इससे खूबसूरती भी नहीं आती। कम से कम आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी आप चाहिए। कहती हैं कि गार्निश उससे करें जो खा सके। ये जो चीज है ना, और ये इसका कोई फायदा नहीं है। कभी भी घर में भी आप सर्व देखें, आप अपनी डिश अच्छी होनी चाहिए। आपके देखें चावल कहाँ तक फैले हैं। सीख लें ये जितने लोग देख रहे हैं। अब ये यहाँ भी है ना, ये मैं इस पे मार्क्स। अब हम यहाँ भी जो है ना सख्त चैलेंजेस में दाखिल हो रहे हैं। आपा एक गुस्सा क्वीन भी बन गई हैं। अगर खाना सही नहीं बनाया तो बाइक नहीं मिलेगी। कल आपा कह रही हैं, बात सुनो, जो अगर दोनों टीम से अच्छा नहीं बनाया किसी को बाइक मत दो। मैंने कहा मैं आगे से यही करूंगी, आप बाइक ले जाइएगा, दोनों टीम्स को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, देखते हैं आज कौन यहाँ से बाइक और कौन माइक्रोवेव अवन जीएनई का जीत कर जाता है। ये वक्त होता है जब हम अनाउंस करते हैं कि हमारे खाना घराना के कौन सी टीम ने ज़्यादा अच्छा खाना बनाया। आज के जो चैलेंज था, एक आलू और चनों के साथ एक मेन कोर्स की कोई डिश बनानी थी और एक साइड डिश बनानी थी। दोनों टीम ने तकरीबन एक जैसी चीज़ें बनाई, लेकिन जायका बिल्कुल मुख्तलिफ है दोनों टीम्स का, और वाज़े तौर पर बर्तरी हासिल की। आज तो इमरान भाई ने भी जजमेंट में मदद की है। आयशा और हिरा की टीम आज जीत गई है, जो जिनको मिल रही है गाय पावर वॉश की बाइक। और जो दूसरी टीम है शहनाज और कौसर की, वो लेकर जा रहे हैं जीएनई गाबा नेशनल का एक माइक्रोवेव अवन। तो आप दोनों टीम्स को बहुत मुबारक हो। जो टीम नहीं जीत सकी, आलू भी कच्चे थे और चना चाट में मसाला भी कम था। तो आज मुफ्ती साहब ने, इमरान भाई ने और हमने सब ने मिल के ये फैसला किया है।